വക്രത്തിന്റെ മഹാകായ സൂര്യകോട്ടി സമർപ്പവ നിർവിഘ്നം കുറമേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ। भारत में जेकोसी शुभ कार्य आरंभ करने पूर्व प्रभु गणेशों पूजा कराए घरे अबा शिक्षानुष्ठान किंबा व्यवसाय स्थल सबुठी श्री गणेश प्रथम पूजा करार आम भारतीय परंपर रही अच्छे। भगवान गणेश मंगलकारी और विघ्नहर्ता कहुए कारण से जीवन में एक नूतन और सठिक रास्ता देखा था आई एवं देशर गणतंत्र मंदिर नुआ संसद भवन में कार्यकाल शुभारंभ हो विघ्नहर्ता पुष्पांजलि दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार सेप्टेम्बर 18 रु संसद एक स्वतंत्र अधिवेशन डक तेरे गणेश चतुर्थी संसद नूतन गृह उद्घाटन होगा यह नुआ गृह से स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होगापी जा। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तेरे चलित संसदर स्वतंत्र अधिवेशन खूब कम समय पर हेबा किंतु कहुची अनेक ऐतिहासिक पदक्षेप निपे। सोमवार संसदर स्वतंत्र अधिवेशन आरंभ होता बेले लोकसभा प्रथमे आलोचना आरंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। यह अवसर से देशर 75 वर्षर संसदीय यात्रा उपरे आलोकपात करते प्रधानमंत्री कहते आज आम समस्ते पुराणा संसद भवन को विदाय देवा यापर अर्थात आसंता काली नुआ संसद भवन को स्वतंत्र अधिवेशन स्थानांतर होगा। पुराणा संसद भवन विदेशी शासकों द्वारा निर्माण करा तेणु यही भवन निर्माण में आम देशर टंका और श्रम नियोजित होता आसंता काली आमे नुआ संसद भवन को जीवा नुआ सौध आमको भविष्य प्रेरणा जगाइबो। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। गणेश चतुर्थी हेब नुआ संसद भवन श्री गणेश। मोदी सरकार सेप्टेम्बर 19-22 संसदर स्वतंत्र अधिवेशन डक स्वतंत्र अधिवेशन संसदर पुराणा और नुआ भवन में उभय आयोजित हो तेरे सेप्टेम्बर 18 अधिवेशन संसदर पुराणा भवन में आयोजित हो सारी किंतु सेप्टेम्बर 19 अर्थात आसंता काली गणेश चतुर्थी अवसर में नुआ संसद भवन को यह सिफ्ट कर स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी,
अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। यह पूर्वर संसद नुआ बिल्डिंग उद्घाटन गत मे मासरे पीएम मोदी कर सारी अवश्य एपर्यंत काम आरंभ हो नथिला। मौसुमी अधिवेशन संपूर्ण भाव में संसदर पुराणा बिल्डिंग रे ही होता किंतु एबे जेतेबेले स्वतंत्र अधिवेशन सिफ्ट करा कहुची एवं आग को सबू काम नुआ बिल्डिंग रे ही हेबो अर्थात आग को शीत अधिवेशन नुआ बिल्डिंग रे करा जिवो। समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया ये हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक पहरवेश हैं, अनेक खान पान है, सदन के अंदर सब कुछ है और समाज के सभी तबके के लोग चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर न हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। स्वतंत्र अधिवेशन रे रहिछि खास योजना। मोदी सरकार संसद रो जेउ विशेष अधिवेशन डकाइछन्ति सेथिरे समुदाय पांचटी बैठक हेबो। ए अधिवेशन रो मुख्य एजेंडा कोन हेबो ताहा ए पर्यंत स्पष्ट होइ नै। अवश्य वन नेशन वन इलेक्शन, महिला संरक्षण समेत अनेक प्रसंग को एथर स्वतंत्र अधिवेशन रे चर्चा को न्या जाई पारे बोली जणा पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।